First blood. सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अंश ऑफिशियल। गाइज ये मेरी वीडियो पता नहीं कितने सदियों बाद आ रही है यूट्यूब पे, क्योंकि यार मेरे प्री बोर्ड चल रहे थे 12th के, एंड अब मेरे आने वाले टाइम में 1 महीने बाद बोर्ड्स आने वाले हैं, तो मेरी वीडियो दोबारा नहीं आएगी 2-3 महीने तक। एंड गाइज इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ अपने छोटे भाई से ओनली M107 का 1v1। गाइज उससे मैंने जितने भी करे M107 के कस्टम्स, उसमें मैं हार रही हूँ कभी 5-7 से, कभी 2-7 से, कभी 0-7 से। एंड गाइज इस बार उसे अच्छे से बदला लेंगे, ओनली रैंड नंबर्स मारेंगे उसमें, बदला ले तो अच्छे से लेना है यार। एंड गाइज एक बात और, मेरी गिल्ड यार लेवल 4 की है, बट लेवल 5 की हो ही नहीं पा रही, क्योंकि यार गिल्ड में एक्टिव प्लेयर्स बिल्कुल भी नहीं है, खेलते ही नहीं है, ऑनलाइन ही नहीं आते यार। तो जिसको गिल्ड में आना हो अपने UID एंड ID में कमेंट कर देना, अभी गिल्ड फुल है बट मैं बंदे किक करके आपको ऐड कर लूँगा। एंड गाइज कमेंट में अपनी UID और ID नेम जरूर से कमेंट कर देना। चलते हैं वीडियो की तरफ को। तो भाई अब मैं रेडी हूँ ओनली M107 एंड ग्लोबल के साथ, देखते हैं पहला राउंड कौन निकालता है। मेरे को लग रहा है वही निकालेगा, क्योंकि यार उसको अच्छे से ना M107 के 1 टाइप की खासकर अच्छे से प्रैक्टिस है एंड एक्सपीरियंस भी है उसको। और यार मैं ज़्यादा शॉर्ट गन यूज़ करता नहीं हूँ, मैं UMP MP40 ये सब यूज़ करता हूँ, तो आइज अच्छे से नहीं आती मेरे को यार। ड्रॉप छोड़िए इसने यार, अदर गन लेके मेरे को मार देगा, आराम ही बंदा है। कोशिश नहीं लगा इस बार भी, देखते हैं आगे इस बार लगेगा। इस बार इसने मुझे थोड़ी सी डैमेज दी है एंड गाइस इस बार देखते हैं, इस बार दोनों ने अच्छी खासी डैमेज दी हो रही है 1 टैप। तो गाइस पहला वाला राउंड अपना बढ़िया वाला निकल चुका है, मैंने कहा था ओनली रैंड नंबर मारेंगे, रैंड नंबर के सिवा कुछ नहीं मारेंगे, रैंड नंबर मारा मैंने। अब देखते हैं कौन किसको रैंड नंबर मारता है। तो गाइस इसने इस बार मेरे पे डायरेक्ट रश कर दिया था एकदम, मतलब सीधा भगते भगते आ गया था बहुत तेज, देखते हैं कौन जीतता है इस बार। कोशिश तो पूरी रहेगी लेकिन कोशिश, देखते हैं कौन जीतता है यार। मैंने लग नहीं रहता यार 1 टैप ठीक से, हाथ फिसल नहीं रहा था अच्छे से, क्योंकि यार आते भी तो नहीं है ये, देखो टच ही नहीं होता। कोशिश पे कोशिश, पहले यार मैडी माननी चाहिए मेरे को यहाँ पे। हाँ शाबाश, ये 360 पैक करके मैडी मारी एक। मैडी के बाद बाहर निकलते इसको धूम देना चाहिए अच्छे से यार, सीधा रश करके एकदम पहले राउंड जैसा 1 टैप मारना चाहिए इस पर। चलो ट्राई करते हैं, ये फिर से नहीं लगा, ग्लोबल पे बैठ गया, फिर से नहीं लगा। तो गोली टच ही नहीं हो रही है, थर्ड पे ऐसा क्यों हो रहा है ये, इस बार भी नहीं, इस बार लगेगा, इस बार मेरे भी लग गया यार। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट राउंड में देखते हैं कौन जीतता है, जीत गया तो जीत गया। गेम है यार, हार जीत लगी रहती है, वैसे मेरी बस हार ही लगी रहती है, वो बात अलग है। एंड गाइस अगला राउंड शिपयार्ड आ चुका है यार, ये साइबर एयर ड्रॉप ना ले ले यार, ये ना इसने बहुत बार ऐसा किया कि एक ड्रॉप चालू करता है एंड ड्रॉप में से मतलब अदर गन लेके मेरे को मार देता है यार। गुल टच क्यों नहीं हो रही यार, थोड़ी तो लगी उसकी, मेरी भी लगी उसकी भी। तो यहाँ पर गाइस फटाफट से 360 पैक करके मैडी मार लेते हैं, नहीं 2 मारेंगे ठीक है। इसके बाद सीधा डायरेक्ट रश कर देंगे इस पर, क्योंकि यार डायरेक्ट कर रश करने से ना बंदा डीमोटिवेट हो जाता है, आराम से 1 टैप लगता है यार। ये साइबर एयर ड्रॉप ना ले ले, यहाँ से तो तगड़ा सामान मिल जाएगा इसको। गाइस कोशिश करते हैं 1 टैप की, किधर है ये भाई, यहाँ से आ रहा है यार, ये ग्लोबल हटाया ना एक बार ही बाहर आया बस, ये 1 टैप ना मारूँ, मेरा नाम भी अंश गेमिंग नहीं यार, ये आया बाहर और ये ग्लू लगा लिया फिर से, ये 1 टैप। हैकर हैकर भाइयो ये मत बोलना कि हैक लगा के आया हूँ, आपका भाई बचपन से प्रो यार, ऐसे ही ठोन ना, 4 साल पुरानी आइडिया मेरी। माना M107 यूज़ नहीं करता बट ट्रिक्स एंड टिप्स तो पता है ना यार। चलो देखते हैं नेक्स्ट राउंड में क्या होता है, ये मेरे को अब तक कुछ दिखाई नहीं था यार, मैं पूरा रश कर दिया था इस पर, एक ग्लू नहीं दिखा मेरे को इसका। एंड थोड़ा जब मैं आ गया यहाँ पे, फिर इसका यहाँ पे एक ग्लू लगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा चौकन्ना हो गया इसको मारने के लिए, एंड मारूंगा तो 1 टैप ही मारूंगा रैंड नंबर से, ये 1 टैप। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक देख रहे हो गाइस कितना प्रो हूं मैं यार, ऐसे थोड़ा 4 साल पुराने इंडिया थे, परेशान हो गए ये भी यार। हाँ नहीं तो मैं रैंड नंबर्स के नीचे बात नहीं करता, किसी को ओनली 1 टैप मैकस मेरे से करना होगा, डायरेक्ट ईगल ACP ड्रैगन हो, सॉरी HVD हो गई, अब वो M107 M10 नहीं, M10 नहीं आती मेरे को, M10 नहीं। तो कमेंट में UID बताना यार, ये राउंड में तो आराम से मांगा, ये टप ये राउंड में यार, मतलब आई मीन ये जगह पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 7 में आसमान में पहुंच जाता है। ये राउंड में मेरे को पता था आराम से जीतना था मेरे को ये राउंड में यार, ये जगह क्यों दे दी यार। जिस तरह उस जगह पे मेरा कॉन्फिडेंस 7 में आसमान में पहुंच जाता है, इस राउंड में मेरा कॉन्फिडेंस 7 फुट ज़मीन में धस जाता है यार।
कोई नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या हुआ, स्किल्स तो है ना यार, देखते हैं कौन जीतता है भाई। अच्छी डैमेज आई है इसको, मेरे को भी आई थी। चलो दोनों हील करेंगे, ये कर रहा है हील नहीं कर रहा, वही दम से आके मार दे, ये कर रहा हील कर रहा हील कर रहा। चलो आराम से हील करते हैं हम दोनों, देखते हैं फिर क्या होता है। ये राउंड में तो यार मेरे हिसाब से वो जीतेगा, देखते हैं फिर भी। एयर ड्रॉप ले लूँ क्या यार मैं? चलो इसका एयर ड्रॉप ले लेता हूँ आज मैं। कैसे, चलो बढ़िया सामान मिल गया, मेन लेवल 4 की वेस्ट मिल गई मेरे को। सुपर मैट्रिक छोड़ता हूँ, रोएगा ये, या ले लेता हूँ रोने तो मेरे को क्या। तो देखते हैं गाइस कौन जीते ये वाला राउंड। ये वन टाइम नहीं लगा, कोशिश की मैंने, ये इस बार भी नहीं लगा, कोशिश की मैंने। ये उसने डैमेज दी, मैंने भी डैमेज दी। ये राउंड में लग नहीं रहे यार, मतलब ये जगह ही बेकार है। फिर से मैडी मार के बाहर गए, वो भी पैक हुआ पड़ा, मैं भी पैक हुआ पड़ा ग्लूवर में। चलो इनहेलर का काम आया कुछ, देखते हैं कौन जीतते हैं राउंड। ये बैठा पड़ा, बैठ रहेगा तो वन टैप रहेगा इसमें, खड़े होके मारे है। ये कहाँ से यार, ये मेरे को नहीं लग रहा यार मैं एलिमिनेट हो रहा हूँ इस राउंड में। देखते हैं, मैं मारूंगा तो रैंडम मार पाऊंगा, और कुछ नहीं मारूंगा मैं, देखते हैं क्या होता है। कहाँ से आएगा ये, यहीं से आ रहा सामने से, रश करना पड़ेगा। कहाँ पे यार, ये जगह बेकार है यार, पता नहीं चलता बंदा कहाँ से आ रहा है, कब आ रहा है। ये वंट है, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। एंड गाइस मैं वॉइस ओवर बाद में कर रहा हूँ, तो थोड़ा तालमेल आके पीछे हो सकता है, समझ जाना आप लोग, ठीक है। यार ये पीक, यार ये पीक कभी रिटर्न नहीं आएगा क्या यार? जब से उन्होंने पीक चेंज किया ना, गेम खेलने में मज़ा ही नहीं आता कुछ यार। कौन कौन ओल्ड पीक को मिस कर रहा कमेंट में बताना यार। ओल्ड प्लेयर तो सभी कर रहे होंगे, न्यू प्लेयर्स को इतना फ़र्क नहीं पड़ा हुआ, बट यार ओल्ड प्लेयर्स को अच्छा खासा फ़र्क पड़ा हुआ पीक चेंज होने से। खैर छोड़ो इस बात को, देखता है कौन जीतता है। अब यार बिल्कुल हेड के पास तो लगा क्यों नहीं यार ये हेडशॉट। चलो देखते हैं, कोई नहीं, उसने डैमेज दिया थोड़ी सी मेरे को। यार वो बॉडी मार रहा है मेरे को, चलो यार हटा दें, वरना बहाने मारेगा कि ग्लू में फंसा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। देखते हैं कहाँ से आ रहा है यार ये वाली पीक। यार क्या ही बोलूँ, मज़ा नहीं आता ये वाली पीक खेलने में। वन टाइम बाद बट खुशी नहीं हुई क्योंकि येलो नंबर आ गया यार। एंड गाइस यार इस राउंड के बाद पता नहीं क्या हुआ था, मेरा मतलब फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली बंद हो गई थी, फोन मतलब आगे की वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, बट मैं इसे जीत गया था 8-1 से, एंड ओनली रैंड नंबर से मारे थे। तो गाइस वन टाइम अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड एक कमेंट छोड़ के जरूर जाना कैसी लगी वीडियो। एंड गिल्ड में आना कमेंट में UID एंड ID नेम ज़रूर बता देना। एंड गाइस वो जिनको मेरे से कस्टम करना हो ना, तो वो अपनी UID के साथ कस्टम लिख देना। एंड गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ कि इससे मैं 8-1 जीता था। ये तो गाइस ये स्क्रीनशॉट, रिकॉर्डिंग रुक गई थी, मज़ा नहीं आया था, ये स्क्रीनशॉट देख लो। एंड गाइस वीडियो में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2 महीने बाद, ठीक है 2 महीने बाद वीडियो है, क्योंकि यार बोट्स। एंड गाइस इसके अभी जाना मत, एक वीडियो आएगी अभी, वो देख के जाना, ठीक है।